हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अश्वनी कुमार गुप्ता है। मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक ऐसा वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आपको बताऊँगा कि आप अपने किसी भी वेब पेज को कैसे किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं, और वो भी गूगल ट्रांसलेटर की मदद से। मैं आपको ये भी बताता हूँ कि ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री है। आप इस टूल को ऑफलाइन या ऑनलाइन जहाँ चाहें यूज़ कर सकते हैं। मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका वेबसाइट लॉन्च होना चाहिए तभी आप इसको देख सकते हैं। आप इसको ऑफलाइन भी टेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको इसका प्रोसेस बताते हैं। बस एक बात और ध्यान रखिएगा कि आप इस टूल का यूज़ करना चाहते हैं तो आपके पास एक जीमेल का अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास जीमेल का अकाउंट नहीं है तो पहले आप अकाउंट बना लीजिए। अगर अगर आपको अकाउंट बनाने नहीं आता है तो इसका भी वीडियो मैंने अपलोड किया है, आप पहले उसको देख के अपना अकाउंट बना लें, फिर इस प्रोसेस को दोहराएं। चलिए, सबसे पहले आप इसको यूज़ करने के लिए आपके पास अपना वेब पेज बना होना चाहिए। तो मेरे पास मेरा वेब पेज बना हुआ है, आप वेब पेज बना लीजिएगा। मैं इसी में आपको दिखाऊंगा, ये जो मेरा वेब पेज है मैं इसी में आपको दिखाऊंगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना एक वेब ब्राउज़र ओपन करना है। वेब ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है डब्लू डब्लू ना लिखिएगा, आप लिखिएगा ट्रांसलेट डॉट ट्रांस सॉरी ट्रांस टी आर ए ट्रांसलेट डॉट गूगल डॉट कॉम स्लैश ट्रांसलेट टूल्स। मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ आपको। आपको ये लिखना है और इसके बाद आपको इंटर बटन प्रेस करना है। इंटर बटन प्रेस करते ही देखिए, चूंकि मेरा पहले से लॉगिन था तो ये मेरा लॉगिन हो गया। आपको यहाँ पे साइन इन का बटन दिखेगा तो आप यहाँ पे पहले साइन इन कर लीजिए। साइन इन करने के बाद ही आप इसको आगे बढ़ सकते हैं। अब चलिए, चूंकि मेरा लॉगिन था तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब आपको यहाँ पे है ऐड टू योर वेबसाइट नाउ, यह एक ऑप्शन दिया है, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ये ब्लैंक ऑप्शन मिलेगा इस तरीके से। अब आपको यहाँ क्या करना होगा, यहाँ एक यूआरएल डालना होगा। अब आपके सामने तो क्वेश्चन उठ रहा होगा कि मेरे पास ऐसा डोमेन नेम नहीं है कि मैं क्या डालूँ यहाँ पे। तो आप कोई भी डोमेन नेम डाल सकते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। बस आपको एक डोमेन नेम होना चाहिए, कुछ भी आपको यहाँ पे टाइप करना है। आप टाइप कर दिए डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट, मेरे पास था तो मैं ये टाइप कर ले रहा हूँ, मेरे पास है प्रोग्रामर्स वर्ल्ड डॉट इन, तो मैं ये टाइप कर ले रहा हूँ। आपके पास कोई नहीं है कोई दिक्कत नहीं, आप डाल दीजिएगा डब्ल्यू 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 डॉट माई वेबसाइट डॉट कॉम या डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट ए बी सी डॉट कॉम, एनीथिंग जो भी। इसके बाद आपकी वेबसाइट किस लैंग्वेज में बनी है ओरिजिनली, सपोज आपने पहले इंग्लिश से बनाया तो आप इसको इंग्लिश रहने दीजिए और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ कुछ ऑप्शंस आएंगे ट्रांसलेशन लैंग्वेज। जैसे अगर यहाँ पे ऑल लैंग्वेज क्लिक है, मतलब आप जब लगाएंगे तो आपको सारे लैंग्वेज दिखेंगे। लेकिन सपोज आपको केवल एक स्पेसिफिक लैंग्वेज ही यूज़ करना है, मान लो मैं चाहता हूँ कि मैं केवल हिंदी और इंग्लिश में वेबसाइट डिस्प्ले करूँगा, तो आप इस स्पेसिफिक लैंग्वेज पे जाके और सिर्फ हिंदी या इंग्लिश या जो भी लैंग्वेज चाहते हैं आप उसको यूज़ टिक कर दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, फिर टिक कर दीजिएगा। लेकिन मैं चूँकि ऑल लैंग्वेज अभी रहने देता हूँ, ठीक है, तो मैं इसमें हटा देता हूँ इसको। फिर डिस्प्ले मोड, जब आपका ये बटन दिखेगा आपके वेब पेज पे तो किस तरीके का दिखेगा, जैसे हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पर देखिए वर्टिकल है, ये बदल रहा है, ठीक है, ड्रॉप डाउन है, ये ड्रॉप डाउन है, ऐसे रहने दीजिए। चलिए अब आगे चलिए, और यहाँ पे नीचे गेट कोड बटन लिखा है, गेट कोड पे आप क्लिक कर दीजिए। गेट कोड पे क्लिक करने के बाद आपको एक कोड दिख जाएगा, ये वाला सेक्शन ध्यान रखिएगा, ये पूरा सेक्शन ये है, आपके लिए कोड मिला है गूगल की तरफ से, ठीक है। आपको उस कोड को कॉपी करना है, ये मैं यहाँ पे लिखा भी है, कॉपी एंड पेस्ट द फॉलोइंग कोड स्निपेट्स ऑन टू एवरी पेज यू वॉन्ट टू ट्रांसलेट। एक बात आपको ध्यान रखना है कि अगर आप अपनी वेबसाइट के हर पेज को ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आपको ये कोड हर पेज पे पेस्ट करना होगा। अब चूंकि अगर आप पीएचपी में या जेएसपी में किसी भी प्रोग्राम बनाते होंगे तो आपको पता होगा कि आप एक हेडर बना के आप उसको इंक्लूड करते हो, तो मैं आपको एक सजेस्ट करूँगा कि आप इसको हेडर में पेस्ट कर दीजिए ताकि ये हर पेज में चला जाएगा। चलिए मैं फ़िलहाल अभी आपको एक पेज में उसको
दिखाऊंगा, ठीक है। तो अब मैंने इसको सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट करने के बाद आप इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आपको ये कोड मतलब जिस पेज में ज़रूरत है वहाँ पे पेस्ट कर दिए। तो मेरे पास एक जो मैंने आपको पहले शुरुआत में दिखाया था ये वाला पेज, इसी पे मैं यहीं लगाना चाहता हूँ मैं। तो चलिए मैंने क्या किया, अपना ये पेज ओपन कर लिया। इस पेज को ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं इस कोड को पेस्ट कर देता हूँ, चलिए, और इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद मैं अपने इस पेज को रिफ्रेश, ये मेरा ऑफलाइन पेज है, आपको दिख रहा होगा ये लोकल होस्ट पे रन कर रहा है, ठीक है। तो अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करते ही देखिए यहाँ पे सेलेक्ट लैंग्वेज का ऑप्शन आ गया। अब मैं इसको आपको ट्रांसलेट करके दिखाता हूँ। देखिए पूरा पेज मेरा इंग्लिश में है, अब मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करता हूँ। तो सेलेक्ट लैंग्वेज ऑप्शन है, मैं यहाँ से चूज़ करता हूँ हिंदी। ये देखिए जैसा कि जब मैंने हिंदी में चूज़ किया, ये मेरा पूरा पेज हिंदी में चेंज हो गया। अब आप चाहें तो इससे जो भी लैंग्वेज में ज़रूरत हो आप इसे चेंज कर सकते हैं। तो है ना कितना आसान, बहुत आसान तरीके से बिना किसी हार्ड कोडिंग के हम लोगों ने ये काम कर लिया। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसको शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ, और मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करता हूँ आपको इसकी इन्फॉर्मेशन पहले ही मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।